कि मम्मी ने लगाया घर पे ताला और हम निकल गए मार्केट की तरफ। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। धूप तो काफ़ी तेज है, बट दादा बेटा सो गए थे तो मुझे और मम्मी को मार्केट जाना था। मार्केट जाने का कारण ये था कि मम्मी ने मुझे शादी में एक चैन दिया था, वो इतनी बार टूट चुका था, राजा बेटा उसे हमेशा ही तोड़ देते थे। तो यहाँ पे मैं आई थी उसको दिखाने के लिए कि मैं एक दूसरा चैन ले लूँ। तो ये वही चैन है, मुझे लगता है कम से कम वो 20 बार टूटा था। तो मैंने सोचा था कि इसको रिटर्न करके मैं एक दूसरा चैन ले लूँगी। तो हम लोग एक सुनार की दुकान पे आए थे तो नहीं मिला, फिर यहाँ से हम शॉर्टकट ले रहे थे, ये है महिला अस्पताल, तो यहाँ से हम शॉर्टकट ले रहे थे क्योंकि इधर थोड़ा छाँव रहता है और बाहर धूप बहुत तेज लग रही थी। तो हम सोचे शॉर्टकट लेके ही हम चौक पे पहुँचेंगे। तो चौक पे हम आ गए थे ज्वेलर्स की दुकान पे, और यहाँ पे मैं चैन देख रही थी। मैंने अपना पुराना वाला चैन जो एक्सचेंज करने के लिए मैं सोच रही थी, तो यहाँ पे मुझे एक चैन पसंद भी आया। तो मम्मी को बस यही मैं पहन के दिखा रही थी कि मम्मा ये देखिए, ये वाला अच्छा लग रहा है या ये वाला, क्योंकि मेरा चैन जितना था मैं उसी टाइप का चैन लेने के लिए सोच रही थी कि वैसा ही लूँगी। फिर यहाँ पे अभी हम ले ही रहे थे तो गर्मा गर्म चाय आ गया था पीने के लिए। तो यहाँ मम्मी और मैंने दोनों लोगों ने चाय को इंजॉय किया। मेरा चाय जो है वो इस समय बहुत ही गर्म था, तो मैं तो रख दी थी काफ़ी देर के लिए। मैंने कहा नहीं यार, मेरा तो जीभ जल जाता है, मैं इतना तेज़ इतना गर्म चाय नहीं पीऊँगी। फिर आराम से हम लोगों ने चाय इंजॉय किया। फिर उसके बाद में मम्मी अपने लिए रिंग देख रही थी, तो वहाँ पे बैठ के मैं भी रिंग देखने लगी। मम्मी के साथ में गोल्ड की रिंग थी और रिंग की डिज़ाइन अच्छी थी, लेकिन जो पसंद आ रहा था वो मम्मी की उंगली में हो नहीं रही थी अच्छे से। तो मैं कह रही थी ये वाला लीजिए, मम्मी कह रही थी ये वाला नहीं। तो फाइनली हमने एक चैन लेके वहाँ से आए हैं। फिर हम यहाँ पे आ गए थे देवी माता के दर्शन करने। मंदिर तो अभी बंद था, तो इसलिए हनुमान जी के ही दर्शन करके हम बाहर की तरफ आ गए। फिर यहाँ पे मम्मी को कुछ कपड़े लेने थे, ब्लाउज के और पेटीकोट के। तो यहाँ पे मम्मी आ गई थी, मैचिंग कर रही थी कपड़ों का अपना, वो ले रही थी। तो मैं एक किनारे खड़ी थी क्योंकि दुकान पे पूरा इन लोगों ने पसारा फैलाया हुआ था। फिर उसके बाद ये छोटा सा हम लोगों ने खरगोश देखा।